every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees. Wow. ये देखो दीपक अपनी गाड़ी चलाते हुए, और वो देखो उधर पर स्नो ही स्नो है। क्या करें स्नो का, आया बोर कर दिया स्नो, बोर कर दिया स्नो ने। सफेद सफेद देख के भी ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगता है अब तो। बोलते ना जिसको जो चीज मिलती है वो उसकी कदर नहीं करता, ये हमारे साथ बिल्कुल। पर इसकी क्या कदर करें हम, वही तो खा भी नहीं सकते इसे, फेंक भी नहीं सकते इसे। आप सोच रहे होगे अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टाइम पास। हमने सामान जो है वो गाड़ी में रख दिया हुआ है, और कहीं हम टाइम पास नहीं कर सकते। अभी हमने लाइक दो दिन पहले ही देखा था कि जो पुलिस वाले हैं वो आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप ऐसे फालतू क्यों घूम रहे हो। तो ये सेफ़ जगह है क्योंकि यहाँ लोग शॉपिंग करने ही आते हैं आई गेस। यहाँ पुलिस वाले शायद नहीं घूम रहे होंगे, पर यार घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज घर पे भी कब तक रह सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? हाँ यार, और स्पेशली ऐसे धूप में, ओहो, पार्किंग स्पॉट से बेटर क्या जगह होगी धूप सेकने के लिए। सीरियसली kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that. मोड़े कहाँ घूम रहे? कितनी अच्छी धूप है यार, फील ही नहीं हो रहा सर्दी जैसा। मतलब कितना अच्छा लग रहा है धूप में। -10 टेम्परेचर है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा -10, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर रेडी होके। अच्छा धूप, गर्म सुकून सा मिल रहा है, शांति सी। आ जा। अब मैं इस चीज़ के लिए एक बात बता देती हूँ। आप सब लोग ये सोचते होगे यार ये हमेशा धूप निकलती है तो ये इतना खुश क्यों हो जाते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं मौसम कितना अच्छा, मौसम कितना अच्छा। यहाँ एक्चुअली पता है धूप ठंड में दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयरली आपको धूप दिखेगी। और जब आपको धूप दिखती है ना तो मन में जो खुशी है ना वो एक अलग ही होती है। सुबह जब उठ के हम विंडो कर्टेन हटाते हैं ना, बाहर धूप दिखती है तो ऐसा लगता है बस भागो, बाहर निकलो इमीडिएटली। हाँ। और घर में तो रुकना ही नहीं है यार। यही रीजन है कि हम लोग पगला से जाते हैं धूप देख के, अरे धूप है बाहर जाओ, बाहर घूमते हैं। पक्का सब लोग सोच रहे होंगे, मैं भी वहां होती तो मैं यही सोचती ये क्या पागल से हो रहे हैं। धूप तो डेली निकलती, यहां नहीं निकलती यार, बड़ा रेयर है। अपने तो ठंड में क्या, बिल्कुल बाहर चादर वादर बिछा के और धूप। हमारे यहाँ एटलीस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार दिन धूप ना निकले, लेकिन फिर उसके बाद तो दोपहर में धूप निकल ही आती है, पर यहाँ थोड़ा रेयर होता है। और धूप में बैठना यार जरूरी है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करना कि आप ऐसा सोचते हो क्या कि यार पागले वगले हैं क्या, धूप धूप बोलते रहते हैं, मौसम मौसम बोलते रहते हैं। जरूर ये देखो, ये जो पीछे दिख रही है ना, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। ये चाहे गर्मी में देख लो, सर्दी में देख लो, स्नो में देख लो, स्प्रिंग में देख लो, ऑटम में देख लो, ये जगह सारे ही टाइम पे बहुत सुंदर लगती है। हाँ ये तो है, ये जगह क्योंकि ऐसे क्योंकि पहाड़ी सी है ना। हाँ, और ये जगह तो आपको दिखाई है। जैकेट निकाल लो, मतलब सर्दी पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, क्या हो गया भगवान जाने। पागल हो गए हो तुम, और कुछ नहीं, घने बावरे हो गए हो।
बार हो सकती है, मतलब काउंट नहीं, ऐसे ही अंदाजा बताओ। आप लोग भी जो देख रहे हो, ये देखो मैं दिखा देती हूँ, 70 से 80 के बीच में होंगी। गिनो और बताओ फिर, लोगों ने भी तो कमेंट किया ही होगा। गिनता हूँ। हाँ एक बार गिनो, आप लोग भी कमेंट करो, जब तक देखते किसका आंसर सही होता है। मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा नहीं होगी। दीपक गिन रहा है, दीपक काउंट कर रहा है। आप लोग भी जब तक देखो, मैंने वीडियो में बता ही दिया है, आप लोग तो पॉज करके देख भी सकते हो, हम लोगों को तो यहाँ ऐसे ही गिनना पड़ेगा। हाँ कितने पे पहुँचे? हंड्रेड से ऊपर है आराम से। 100 से ऊपर? मैं हार गई। मैंने आधा सोचो, ये होता है जब आप कुछ यहाँ से नहीं पढ़ने का, यहाँ से देखने का, और नहीं ऐसा नहीं है, दूर से जो चीजें होती है ना वो हमेशा धुंधली नजर आती हैं। इसका मतलब ये है, मतलब दूसरे को जज नहीं करना चाहिए सिचुएशन में। इसलिए देखते हैं आप में से किसने सही जवाब दिया। दीपक ने भी गलत दिया, मैंने भी गलत दिया, बट आई एम हैप्पी। अच्छा और यहाँ पर एक ये माइनस, ये रियल फील वाला भी फंडा होता है। दीपक तूने सुना है क्या कभी? अरे हाँ यार, वो ही तो एक्चुअल जरूरी है। जैसे 0 degree दिख रहा है, बट फिर हो सकता है माइनस, जो रियल फील है -2 -3 हो। हाँ। और बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें -2 -3 में। हाँ। है, लेकिन वो ये बाहर निकलो तो रियल फील देख के निकलना चाहिए। मैं हाँ। मेरे साथ यही हुआ था जब मैं यहाँ नहीं, मेरा जापान का एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर टेम्परेचर था 0 degree, और मैं ठीक है चलो 0 में तो इतनी सर्दी नहीं लगती, निकले बाहर कुकड़ी सी बन गई, प्राण से निकल गए। जब देखा रियल फील -6 -7 था, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है जगह के हिसाब से। तो रियल फील देखो आप, मतलब रियल फील मतलब ऐसा नहीं होता ना, रियल फील और वैसे जो होता है वही होता है ना? नहीं होता है यार, अपने आप पे टेम्परेचर कई बार 22 डिग्री होता है, रियल फील 26-27 होता है। अच्छा पता नहीं, मैंने ये यहीं पर नहीं नहीं होता है, और डिपेंड करता ना कि क्या होता है ना, टेम्परेचर आपका हो गया, उसके बाद विंड चल रही है तो फिर ज़्यादा आपको ठंड फील होगी, तो फील कैसा हो रहा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर निकले आप ठंडी हवा चल रही है, बारिश गिर रही है, तो ज़्यादा सर्दी फील होती है। अब इसी बात पर मैं दीपक की एक बात बताती हूँ, उसके सामने नहीं बताऊँगी, नहीं ये मुझे ना काउंटर पार्ट करेगा, काउंटर अटैक करेगा। ये मुझे बोला है कि यहाँ पर ना ये जो टेम्परेचर है वो गलत दिखा रहा है, गलत टेम्परेचर दिखा रहा है, आ रहा है पीछे आ रहा है, गलत टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जो इनकी ऐप है ना वो बकवास है, अभी तो गर्मी लग रही है, गर्मी आ गई है, फील नहीं हो रहा है। या तो मैं बिल्कुल सन के सामने खड़ा हुआ हूँ तो अच्छी सनलाइट है। अरे कुछ भी हो, ठंड है यार, ये टोपी मैंने फालतू में लगा रखी है। नहीं ठंड तो है, सर्दी है, पर क्या खा लिया आज मैंने, कपड़े नहीं पहनते। दीपक तू ना मार खाएगा जब ये वापस जाएगा। किसकी एक्टिंग कर रहा है? ये नहीं बता सकता भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला सीक्रेट है। अगर आपने सर्दी में छींक भी दिया ना, भले आप ऊपर से नीचे तक पैक हो, तो एक डायलॉग आता है, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे ही घूमते हैं दिन भर। भैया ये डायलॉग बहुत खतरनाक है। किसका है वो हम नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, वो सीक्रेट रहेगा। दोस्तों बाय बाय, अलविदा, फिर मिलेंगे। क्यों हंस रही हो? मैंने बोला बाय बाय बोल दो, एंडिंग कर दो, तो इसकी बाय बाय सुनो। तो मेरी बाय बाय ये है कि दोबारा मिलेंगे, और छोटा सा वीडियो आपको होपफुली खुश रहो, हमने अपनी चीज़ें शेयर करी है, शायद आपको अच्छा लगा हो, और इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। आज हमने कुछ लॉकडाउन की स्टोरी, स्नो की स्टोरी और विंटर की स्टोरी शेयर करी। आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल ये लाइक ज़रूर छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना, और जिन लोगों ने गाड़ी के आंसर सही दिए हैं उन्हें मिलेगा थम्स अप। थम्स अप। हाँ अब देखो, सोचने वालों ने तो कुछ भी सोच लिया होगा, मैंने तो बोला है वेरी गुड। बाय बाय, टेक केयर।
सामान लेके आ गए हैं। मिलने जा रहे हो और हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो आपको ब्लॉग में पता चलेगा व्हाट विल बी, बट समथिंग वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू।